बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मैथ सिटी। अगर आपने अभी तक मैथ सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन पर क्लिक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके एक क्लिक की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प हो सकती है। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज जो थ्योरम हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि इफ़ ए एक्स प्लस बी वाई इज़ इक्वल टू एम एंड जी सी डी ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू डी देन शो दैट डी डिवाइड्स एम। यानी एम जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है ए और बी का। तो थ्योरम ये कहता है कि अगर डी जो है वो ए बी का जी सी डी हो तो उसके हर लीनियर कॉम्बिनेशन को जो डी है वो डिवाइड करेगा। ठीक है जी, डी जो है वो हर लीनियर कॉम्बिनेशन को ए बी के हर लीनियर कॉम्बिनेशन को डिवाइड करेगा। तो चलते हैं इसको प्रूव करते हैं हम। अब हमें जो गिवन है इसमें वो सबसे पहले है कि ए बी जो है का जो जी सी डी है वो डी है। अगर जी सी डी ऑफ ए बी इज इक्वल टू डी देन डेफिनेटली डी डिवाइड्स ए एंड बी, दोनों को डिवाइड करेगा। जी सी डी होता ही वो है जो दोनों को डिवाइड करता है। तो डी ए को भी डिवाइड करेगा और बी को भी डिवाइड करेगा। अब हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई भी नंबर ए है वो बी को डिवाइड करता है तो वो बी के हर मल्टीपल को डिवाइड करता है। मसलन 2 4 को डिवाइड करता है तो 2 8 को भी डिवाइड करता है, 2 12 को भी डिवाइड करता है, 2 16 को भी डिवाइड करता है। तो कोई भी नंबर ए है अगर वो बी को डिवाइड करता है तो उसके हर मल्टीपल को वो डिवाइड करता है। तो यहाँ पे अगर डी ए को डिवाइड कर रहा है और डी बी को डिवाइड कर रहा है तो ए और बी के हर मल्टीपल को डिवाइड करेगा। यानी वो डी जो है वो ए एक्स को भी डिवाइड करेगा और डी अगर जो कि बी को डिवाइड कर रहा है तो बी वाई को भी वो डिवाइड करेगा फॉर एवरी इंटीजर एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई कोई भी हो सकते हैं यहाँ पे। और दूसरा थ्योरम हमने ये पढ़ रखा है कि अगर एम जो है वो ए को डिवाइड करता है और एम जो है वो बी को डिवाइड करता है तो एम जो है वो ए प्लस बी को भी डिवाइड करता है। यानी दो इंटीजर्स को डिवाइड करेगा तो उनके सम को भी वो डिवाइड करता है। तो यहाँ डी ए एक्स को डिवाइड कर रहा है और डी जो है वो बी वाई को डिवाइड कर रहा है तो इन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा। यानी डी डिवाइड्स ए एक्स प्लस बी वाई। और हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि ए एक्स प्लस बी वाई जो है वो इक्वल है एम के, तो यहाँ इसकी जगह हम एम लगा देंगे तो इसका मतलब है डी डिवाइड्स एम। तो यही हमें प्रूव करना था। ये बहुत सिंपल सा छोटा सा थ्योरम था कि यानी इफ एम इज़ द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी एंड डी इज़ द जी सी डी ऑफ ए बी देन डी डिवाइड्स एम। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ए थ्योरम के साथ। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट्स करें, इंशाल्लाह विद इन नो टाइम आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह।